हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जॉब अलर्ट। न्यू रिक्वायरमेंट आई है हरियाणा रोडवेज के अंदर, चालकों परिचालकों की दोनों की भर्ती है। कनेक्टर और बस ड्राइवर दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार के अंदर फॉर्म अप्लाई होगा आपका। नोटिफिकेशन ये है कि सूचित किया जाता है कि इस आकार में परिचालक के पद के लिए 3 साल पुराना हैवी लाइसेंस होना चाहिए। उम्मीदवार के पास 5 दिन का प्रशिक्षण देकर उस उम्मीदवार को ड्रग टेस्ट व रोड टेस्ट लिए जाएंगे। जो उम्मीदवार उन उक्त दोनों टेस्टों को पास करेगा उसी उम्मीदवार को उपायुक्त के और अनुभव कुशलता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसी प्रकार परिचालक के पद के लिए भी परिचालक लाइसेंस रखने वाले उम्मीदवारों को 5 दिन के लिए टिकट पंच करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा व टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। प्रांत आप अपना रजिस्ट्रेशन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल के ऊपर कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार सरकार के हिदायतों के अनुसार अपने आवेदन पत्र को साथ निम्न दस्तावेजों सहित कार्यालय में दिनांक 20/4/2022 तक जमा करवाएं। चालकों परिचालकों के लिए वरिष्ठ सूची विरुद्ध विशुद्ध रूप से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी तथा उक्त पदों के लिए अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी आकार को जब भी चालकों और परिचालकों की आवश्यकता होगी योग्य उम्मीदवारों को हरियाणा कौशल रोजगार नियम के तहत लिया जाएगा। चालक को योग्यता के लिए 10वीं पास होना चाहिए। भारी चालक वाहन अनुगप्ति व 3 वर्ष के अनुभव सहित होना चाहिए। उम्मीदवारों को वर्ण दिनतानी होनी चाहिए और मेडिकल फिट होना चाहिए। हिंदी संस्कृत की जानकारी मैट्रिक स्टैंडर्ड या उच्च शिक्षा के आधार पर होनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। आयु आपके 18 से 42 साल रहेगी। 10वीं पास की होनी चाहिए। परिचालक अनुभुक्ति पत्र होना चाहिए। हिंदी संस्कृत की जानकारी मैट्रिक स्टैंडर्ड या तथा उच्च शिक्षा होनी चाहिए। 10वीं पास की होनी चाहिए। कैंडिडेट को 18 से 42 साल आयु होगी। परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। आदेशानुसार महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज परिवहन चंडीगढ़। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। नोटिफिकेशन के अंदर आपको PDF लगा दी जाएगी। थैंक यू गाइज। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।